साथियों जय हिंद। आइए आज आपको मैं ले चलता हूँ पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में, यानी सीमेंट के जो पाइप होते हैं जिन्हें पुल पुलियों में इस्तेमाल किया जाता है, ये पाइप किस तरह से बनते हैं आज हम आपको इसका अवलोकन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। तो आज हम हैं ज्योति पाइप फैक्ट्री, जहां पर सीमेंट के पाइप और फेंसिंग पोल इत्यादि बनाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये फेंसिंग पोल जिनका उपयोग फेंसिंग में होता है ये बनाए गए हैं, और ये एक छोटा सा तालाब जिसमें कि सीमेंट के पाइप को मजबूत होने के लिए डाल दिया जाता है। यही कल जो पाइप तैयार किए गए हैं, इन तैयार पाइपों को पानी में डाला जा रहा है। काफ़ी बड़ा जलाशय है। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। इन ढल चुके पाइप को खोला जा रहा है, इनका फर्मा हटाया जा रहा है। ये तैयार किए गए पाइप, एक लोहे का काफ़ी बड़ा फर्मा, और इस फर्मे में कंक्रीट का मसाला डाल करके और मशीन में इनको घुमाया जाता है। अलग अलग साइज़ के फर्मे यहाँ रखे हुए हैं। सभी साइज़ के पाइप यहाँ बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पुलों में और छोटे पुलियों में काम आते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं उनसे हम अभी बात करेंगे। सर नमस्कार। बच्चों के लिए शैक्षिक वीडियो बनाते हैं। आज मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बच्चों को पाइप बनाने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराना चाहिए। तो आज इस फैक्ट्री में हम आए हैं। तो यहाँ पर लगभग कितने श्रमिकों को काम मिला हुआ है? 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काम प्रोडक्शन काम थोड़ा सा धीमा चल रहा है। अभी ये जो पाइप निर्माण की पूरी प्रक्रिया है इसको हम देखने वाले हैं। ये पाइप के निर्माण में काम आने वाली सामग्री जिसमें गिट्टी है और बजरी, रेत, महीन रेत, मोटी रेत और अलग अलग साइज की गिट्टी यहाँ पर रखी हुई है, और ये तैयार किए हुए फेंसिंग पोल जो फेंसिंग में काम आते हैं, और इसके बीच में मजबूती के लिए जो सरिये या तार लगाए जाते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तार जो रस्सी की तरह गुथे हुए हैं, पाइप में मजबूती के लिए इनको लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ सरिये भी डाले जाते हैं। तो ये विभिन्न आकार के पाइप बनाने के लिए जो फ्रेम तैयार किया गया है, पतले सरिये भी हैं और उसी मोटाई के जो सरिये हैं उनको वेल्डिंग करके इस तरह से पूरा फ्रेम तैयार किया गया है। ये यहाँ पर एक कारीगर इन सरियों की वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये एक यंत्र जिसमें कि इनको रोल किया जाता है। इस मशीन में सरियों को रोल करने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं। ये फोल्डिंग फोल्ड भी हो जाती है ना जैसे वो। अच्छा, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, यानी जिस साइज का अपने को पाइप बनाना है उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके, और ये मोटे सरिये को किस तरह से राउंड शेप दिया जाता है। 1 मीटर साइज का पाइप बनाने के लिए सरियों को इस तरह से राउंड शेप दिया जा रहा है। इसके बाद इसमें और राड लगा करके वेल्डिंग की जाएगी। तो देखिए किस तरह से पाइप निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले फर्मों के अंदर इस तरह से जो लोहे की जाली बनाई गई है उस जाली को फर्मे के अंदर सेट किया जाता है। ये फर्मे का बाहरी हिस्सा है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जालियां जो हैं, दो जालियां लगी हुई हैं। इसे अभी नट बोल्ट से कसा जा रहा है। पाइप निर्माण के लिए ये मिक्सर मशीन है। मिक्सर मशीन में कंक्रीट का मिश्रण तैयार किया जा रहा है। इस तरह से ये दो मिक्सर मशीन हैं।
ये दोनों ही मिक्सर मशीन में कंक्रीट तैयार किया जा रहा है पाइप निर्माण के लिए, यहाँ पर फर्मे को तैयार करते हुए। और ये तैयार किए गए पाइप फर्मा यहाँ इनसे हटा दिया गया है। अब इन पाइप को ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब में मजबूत होने के लिए डाल दिया जाएगा। फेंसिंग पोल बनाने की जो प्रक्रिया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। फेंसिंग पोल के अंदर भी पतले लोहे के तार लगाए जाते हैं। एक पोल में 4 तार लगाए गए हैं और एक साइज फिक्स कर लिया गया है। जिस साइज का भी पोल तैयार करना है उस हिसाब से इसमें पार्टीशन कर दिया जाता है। और ये देख रहे हैं कि आप ये पूरी लंबी जो श्रृंखला है, ये जो फर्मा है, इसके अंदर कंक्रीट भर दिया गया है। और अब इसको वाइब्रेटर मशीन से फर्मों के अंदर कंक्रीट का मिश्रण डालने के बाद ये जो वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर से उसको अच्छी तरह सेट किया जाएगा। वाइब्रेटर मशीन चला करके और मसाले को अच्छी तरह सेट किया जाता है। कंक्रीट पोल निर्माण की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि ये फर्मा लोहे का है और कंक्रीट इसको पकड़ कर ना रखे, इसलिए इसके अंदर ऑयल का लेप लगा दिया जाता है। अब इसमें दोनों ही तरफ कैप लगाई जाएगी। काफ़ी वजनदार होते हैं ये, क्योंकि इस्पात से बने हुए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी। और ये जो फर्मा है, ये फर्मा ही पाइप की मोटाई तय करता है। इस तरह से दूसरी तरफ भी फर्मा जो है लगा दिया गया है। दोनों साइड जो फर्मे लगे हुए हैं उनको एक लंबी रॉड से फिक्स किया जाएगा और नट बोल्ट से इन्हें कस दिया जाएगा। ये जो तैयार किया गया पाइप है, इस तैयार किए गए पाइप को इस क्रेन की सहायता से, जिसमें चैन कुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सहायता से इसको यहाँ से उठाया जाएगा। दोनों साइड के फर्मे को लंबी रॉड और नट बोल्ट से कस दिया जाएगा। ये आप देखिए कि केवल 2 वर्कर चैन और पुल्ली की सहायता से इतने भारी पाइप को, कंक्रीट के पाइप को उठा चुके हैं। इसे हटा लिया गया तरफ दूसरे पाइप को ढलाई के लिए तैयार किया जा चुका है। पाइप
से भी चैन पुली की सहायता से जो उनका ठिया है ठिया पर रखा जाएगा। मिश्रण तैयार किया जा चुका है।
पूरा हुआ। गांव में भी इस तरह के छोटे उद्योग लगा करके और अपना स्वयं का रोज़गार किया जा सकता है, जिसमें कि हम अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश का युवा नौकरी मांगने वाला ना हो, नौकरी देने वाला हो, तो इसी तरह के एक युवा उद्यमी की यह फैक्ट्री है। यहाँ देखिए कि जो फैक्ट्री के संचालक हैं उनका प्रकृति प्रेम भी यहाँ प्रदर्शित होता है। देखिए कितना सुंदर गार्डन उन्होंने यहाँ विकसित किया हुआ है। 20 एचपी की मोटर लगी है और अच्छा, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए गियर बॉक्स भी है। तो साथियों, इस तरह आज आपने ज्योति पाइप फैक्ट्री डुंगरिया इसका अवलोकन किया। हमने पाइप निर्माण की पूरी प्रक्रिया, साथ ही जो फेंसिंग पोल होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई। साथियों, हमारा उद्देश्य पाइप तथा सीमेंट पोल बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझाने के साथ ही यह भी था कि हम हर निर्माण के पीछे, हर सृजन के पीछे जो श्रमिक वर्ग है, जो जीतोड़ मेहनत करके और अपने परिश्रम से इस तरह के निर्माण कार्य करते हैं, बड़े बिल्डिंगें, पुल इत्यादि बनाते हैं, उनका हम सम्मान करना सीखें, श्रम का सम्मान करना सीखें। सारे आसपास जो श्रमिक वर्ग है देश के निर्माण में, उनके योगदान को हम प्रणाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता तथा आभार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही हम अपने विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग का सम्मान करें, उनके परिश्रम का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।